मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस में कलह मची हुई है। दरअसल मामला इसलिए हो गया है क्योंकि वहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा की सीट को लेकर के बवाल है। अंदर खाने चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन बात यही है कि सिंधिया जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, साथ ही साथ वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार पांडे और आप देख रहे हैं पोल टॉक का यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में भले खलबली मची हुई हो, लेकिन अब सरकार भी अस्थिर दिखाई दे रही है क्योंकि वहां पर कमलनाथ के खिलाफ भाजपा नहीं बल्कि उनके ही मंत्री, उनके कुछ विधायक और उनके ही कुछ नेता लगे हुए हैं। देते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टीकमगढ़ में 6 दिन पहले एक बयान दिया था, अगर सरकार जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अगर वो अपने किए गए वादों में, जो मैनिफेस्टो में वादे हुए थे, अगर उस पर खरी नहीं उतरती है तो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है, समर रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरे। और सरकार भी बनी है, 1 वर्ष हुआ है, थोड़ा सबर हमारे शिक्षकों को रखना होगा। बारी हमारी आएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और अगर बारी ना आए, इसके बाद से सरकार का भी पलटवार आता है। कमलनाथ कहते हैं वो उतर जाए, मतलब खुली चुनौती है, वो सरकार को चुनौती दे रहे हैं, सरकार भी उन्हें मनाने की जगह चुनौती दे रही है। आखिर चुनौती के पीछे कारण क्या है, इसके पीछे नेता कौन है और पूरी वजह क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं जैसा हमने समझने की कोशिश की है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राज्यसभा सदस्य भी हैं। उनका कार्यकाल इस बार खत्म हो रहा है, अप्रैल में चुनाव होना है। अब बात यह हो रही थी क्या दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा जाते हैं या नहीं, क्योंकि उनके सामने बड़ी चुनौती हो गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए हैं और उनके पास अभी इस समय कोई बड़ा पद कांग्रेस की तरफ से नहीं है। इस समय पर यह बात आती है ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकार के खिलाफ हैं, कभी बात आती है सरकार के साथ हैं और कभी कभी ये बात आती है कि अपने पिता की पार्टी को जीवित करना चाहते हैं। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को समझिए। अच्छा, मध्य प्रदेश के कुछ युवाओं ने, कुछ नेताओं ने ये उठा दिए है कि अगर राज्यसभा भेजना है दिग्विजय सिंह की जगह प्रियंका गांधी को भेजा जाए। प्रियंका गांधी क्यों? प्रियंका गांधी के नाम पर ही सारा मामला सलट जाता है। सिंधिया के समर्थक वो चाहते हैं कि वो राज्यसभा सदस्य भी बने और साथ ही साथ उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाए, लेकिन बात जब प्रियंका गांधी की आती है तो मामला वहीं पर पूरी तरह से पलट गया है। अब दिग्विजय सिंह ने नई चाल चल दी है कि यहां से प्रियंका गांधी को भेजा जाए, न तो दिग्विजय सिंह जाएंगे और न ही सिंधिया जाएंगे, तो प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी खाली होने वाली है उसे किसे दिया जाएगा? सरकार और प्रदेश अध्यक्ष दोनों की कुर्सी अभी जिसके पास उसका नाम है कमलनाथ। कमलनाथ के पास कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की भी कुर्सी है और साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री भी हैं। शायद वो कांग्रेस के पहले ऐसे मुख्यमंत्री अभी के होंगे जिनके पास दोनों पद है और वो सत्ता का बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, चाहे मामला जो भी हो। सिंधिया के साथ 47 विधायक ऐसे हैं जो खड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं कि अगर आप चाहेंगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे और आप अपनी नई पार्टी बना लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या चाहेंगे, पार्टी बनाना या नहीं, क्योंकि ये बड़ी बात है। अगर वो पार्टी बनाते हैं इसलिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सिंधिया का जो वर्चस्व है वो ग्वालियर संभाग में बड़ा अच्छा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है। उसको टक्कर देने का अगर कोई काम करता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवारों के साथ है। किमती देवी जो वहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने भी सिंधिया का साथ देने की बात कह दी है। इससे कमलनाथ सरकार को बड़ी परेशानी है क्योंकि दो उप सीटों पर उपचुनाव होना है, दो विधायक पिछले दिनों मर गए, पड़ता है सिंधिया के इलाके में, दूसरा सीट है भाजपा का। तो माना जा रहा है कि सिंधिया वहां से उपचुनाव भी लड़ सकते हैं, उपचुनाव लड़ करके वो प्रदेश सरकार में सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन सिंधिया के समर्थकों का कहना है नहीं, इससे उनका कद छोटा होगा और उन्हें जाना है राज्यसभा। राज्यसभा जाने के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे और उनके पद की गरिमा बनी रहेगी। सिंधिया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के समर्थक आपस में फंसे हुए हैं और अंतर्कलह पूरी तरह से मची हुई है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी वहां पर बहुत मजबूत नहीं है।
ऐसे में प्रियंका गांधी का नाम राज्यसभा के लिए आना बड़े बात को संकेत देता है। क्या प्रियंका गांधी सिंधिया के लिए अपनी सीट छोड़ देंगी, या वो कहेंगी सिंधिया को भेजा जाए, या वो कहती हैं दिग्विजय सिंह ही वापस जाएंगे, या दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेज करके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिंधिया को बनाया जाए। लेकिन सिंधिया को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के बाद कमलनाथ के लिए मुश्किलें और कड़ी हो जाएंगी। इंडिया ने भी 1993 में अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद कांग्रेस में आ जाते हैं और अब उस पार्टी का लगभग मामला खत्म है। उसी पार्टी को जीवित करने की बात भी हो रही, जिसका चुनाव निशान उगता हुआ सूर्य है। तो उगता हुआ सूर्य, ढलता हुआ सूर्य, दोनों की बात हो रही है, क्योंकि बोला जा रहा है कि सिंधिया एक ही चुनाव हारे और उनकी ये हालत हो गई, उनकी दुर्दशा हो रही है, उनके समर्थक उसको लेकर के काफ़ी नाराज हैं। तो अंतर्क्रिया जारी है, और यही नहीं बल्कि कांग्रेस के कई सारे शासित राज्यों में बहुत जबरदस्त तरीके से अंतर्क्रिया चल रही। राजस्थान और पंजाब प्रमुख रूप से नवजोत सिंह सिद्धू नाराज चल रहे हैं, तो इधर सचिन पायलट, दोनों की बातें बाद में करेंगे, लेकिन आज बात थी बस सिंधिया की। poltalk.in जल्द ही आने वाली है, जिस पर आपके सहयोग और समर्थन की जरूरत रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।